हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद नाउ द वेरिएबल पावर वेरिएबल एक्सरसाइज. वी हैव टू फिनिश दैट टॉपिक टुडे एंड स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. फॉर दैट बेटा वी हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.5. यस्टरडे वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 11. डिस्कशन हो गई थी. अब बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करना है. There is a difference between, a very little difference. Concept वही है, y, x power y plus y power x equals to 1. मैंने आगे भी आपको बताया था, अगर log वाले method करना है, suppose, if you want to do it by log method, तो बेटा इकट्ठा log कभी नहीं ले सकते. आपको इसको u और इसको v ही लेना पड़ेगा. ओके, अगर लॉग वाले मेथड से करना, अगर ई लॉग से करना है तो फिर कोई टेंशन नहीं होती. और इसीलिए मेरी प्रेफरेंस ई और लॉग की होती है. ई लॉग एक्स पावर वाई प्लस ई लॉग वाई पावर एक्स इक्वल्स टू 1. अभी मैंने कोई डेरिवेटिव नहीं लिया, ठीक है बेटा. तो अब मेरे पास हो गए, यहां पर पावर आगे आ जाएगी, पता है ना, e log m की पावर n. तो बेटा ये क्या बन जाएगा, e y log x, ओके, प्लस e x log y equals 1. अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. यहां पर जब मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा मेरे पास क्या होगा, e पावर, ये पूरा x, e पावर x का बेटा डेरिवेटिव होता है e पावर x. बट यहाँ x नहीं था, साथ में इसका डेरिवेटिव. जब बेटा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल आएगा. तो वो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज लॉग एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई. बेटा मेरे पास क्या बन जाएगा, 1y डैश, ओके, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश हो तो. अब बेटा ये बीच में नहीं लिखना है, मल्टीप्लाई मत लिखो, कंफ्यूजन हो जाती है एक्स के मल्टीप्लाई का साइन. प्लस मेरे पास यहां पर, अब जब मैंने प्लस किया तो बेटा मेरे पास नेक्स्ट देखिए ये वाली क्वांटिटी, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, साथ में इसका डेरिवेटिव चेन रूल लगती है ना, x नहीं है, x log y है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा. यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log y, बेटा क्या होगा, 1y y डैश प्लस मेरे पास जो है क्या है, सेकेंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ एक्स वो वन है, तो मैंने वन लिख दिया. इक्वल्स टू वन का डेरिवेटिव जीरो, आई पुट हियर जीरो. ओके, अब आगे कैलकुलेशंस करनी. ये क्वांटिटी मैं आपको बार बार कहती हूँ किससे बनी है, ये वाली चीज किससे बनी है, ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, तो मैं डायरेक्टली, क्योंकि डेरिवेटिव हो गया तो मैं रिप्लेस कर सकती हूँ. So that means instead of this, I can write x power y. अब अंदर क्या बताऊं? y over x plus log x y dash. Okay? Plus यहां पर मेरे पास क्या है? y power x. अब y power x into x by y y dash plus log y equal to zero. अब क्योंकि बेटा मैंने dy by dx यानी y dash निकालना है, तो बेटा मुझे y dash वाली terms को combine करना पड़ेगा, बस यहाँ ये करना पड़ता है. ओके, तो जब मैंने y dash वाली terms को combine करना है तो मेरे पास जो है बेटा क्या आएगा, देखिए सबसे पहले मैं bracket open करती हूँ. जब इसको इसके साथ किया तो मेरे पास x y माइनस वन इंटू वाई
क्योंकि ये x की पावर y है, ये x की पावर 1 है, और डिवाइड में बेस वन में इन डिवीजन पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है जी, प्लस मेरे पास हो गए, देखिए x पावर y log x और y डैश। अब नेक्स्ट में देखिए, यहां पर अगर आप देखोगे y पावर x है, y पावर 1 है, तो मेरे पास जो है क्या हो जाएगा, y पावर x माइनस 1। ठीक है जी, और ये x और साथ में y डैश प्लस मेरे पास जो है y पावर x log y इक्वल्स टू 0। अब y डैश मिली एक ये क्वांटिटी, एक ये क्वांटिटी, इसको एक साइड पे रहने दो, बाकी सबको दूसरी साइड पे ले लो। तो मेरे पास x पावर y log x प्लस y पावर x माइनस 1 x y डैश माइनस y पावर x log y और माइनस x पावर y माइनस 1 इंटू 1। देखिए ओके बेटा, तो अब ये सारी की सारी क्वांटिटीज के नीचे आ जाएगी और y डैश का आपके पास आंसर आ जाएगा, ये टर्म न्यूमिनेटर में और ये टर्म डिनोमिनेटर में बस। क्योंकि लॉग वाले में सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो, जब आप दोनों तरफ लॉग इकट्ठा ही ले लेते हो तो बेटा क्वेश्चन गलत हो जाए, चाहे आंसर यही आएगा, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, बट मार्क्स कोई नहीं मिलेंगे क्योंकि आप कॉन्सेप्ट ही स्टार्टिंग में गलत हुए। क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं यहां तक बेटा? बीच में यहाँ प्लस माइनस आता है ना, तो लॉग इकट्ठा नहीं ले सकते। हाँ अगर दोनों तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास सिंगल सिंगल क्वांटिटीज हैं, तो आप लॉग इकट्ठा ले सकते हो। जैसे ये वाला 13th क्वेश्चन है, वाई पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर वाई, इसमें आप लॉग ले लो तो चलेगा क्योंकि प्लस माइनस कुछ नहीं है। अगर ये टर्म ऐसी होती ना, यहाँ कोई टू होता तो लॉग इकट्ठा नहीं दोनों तरफ, तब आपको इसको यू इसको वी लेके ही करना है, या ई और ई वी का कॉन्सेप्ट यूज करना। ओके बेटा क्लियर, तो अब बेटा हम इसको करेंगे लॉग लेके करवा दूं एक, ताकि आपको क्लियर हो जाए लॉग का कॉन्सेप्ट भी। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये एक्स लॉग वाई हुआ, ये वाई लॉग एक्स हुआ बेटा। ओके जी, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मेरे पास क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, क्या बनेगा वाई डैश प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। सेम हियर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वाई। अब y डैश वाली एक ये क्वांटिटी है, एक ये क्वांटिटी है, दोनों को क्या कर लो बेटा, कंबाइन कर लो। ओके और y डैश निकाल लो, बस सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। आपको कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए और डेरिवेटिव के फॉर्मूले पता होना चाहिए। क्लियर बेटा, सेम क्वेश्चन 14, सेम क्वेश्चन 15। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए अब उसने कहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इन द क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट दे हैव रिटन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन दैट इज, और फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x पावर 4 और 1 प्लस x पावर 8। हैंस फाइंड वाई डैश 1, यानी पहले डेरिवेटिव निकालो फिर उसके बाद बेटा क्या करना है, एक्स की जगह 1 वैल्यू पुट करनी है, एफ डैश 1 की, ये कैलकुलेट करना। सबसे इजी कॉन्सेप्ट पता क्या है, दो दो टर्म्स को कंबाइन कर लो, दो फंक्शन बन जाएंगे, फिर डेरिवेटिव लो। मतलब मैंने इसको कंबाइन किया ब्रैकेट्स ओपन करके, 1 प्लस x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब उधर कंबाइन कर लो, वन प्लस एक्स पावर एट, एक्स पावर वन एट, एक्स पावर फोर और एक्स पावर ट्वेल्व। अब ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये सेकंड फंक्शन बन जाएगा। चाहे आप यहाँ पर भी ब्रैकेट्स खोल लो, बट इतना क्यों टाइम वेस्ट करना है ना। तो डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास बेटा क्या हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सीधा ही डेरिवेटिव लो, इतना टाइम नहीं होता वहां पेपर, अगर एमसीक्यू टाइप भी आता है तो शॉर्टकट करना हमें। तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, वन का डेरिवेटिव जीरो, एट एक्स पावर सेवन, फोर एक्स क्यूब, ट्वेल्व एक्स पावर इलेवन, प्लस सेकंड एज इट इज मेरे पास हो गए। जब सेकंड एज इट इज तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जब इसका लूंगी जीरो, टू एक्स प्लस वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशंस करने की। रीजन बेटा, आपको एफ डैश निकालना है तो वन, तो जहां जहां एक्स है वन पुट करो ना सीधे और कैलकुलेशन कर लो। ओके बेटा, क्लियर। नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सेम ऐसा ही है बट उसमें उसने पता क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करो थ्री वे से, और हमने चेक करना है कि आंसर सेम ही आएगा। वो क्या है बेटा इसमें, पहले तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, आपको पता है कि प्रोडक्ट रूल लेना है तो आप क्वेश्चन नंबर 17 में जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है एक्स स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन जैसे ही बन गया जो अभी मैंने किया था, है ना। सिर्फ मैं डिस्कस करूंगी कि इसमें क्या, पहले इसको फर्स्ट ले लोगे, इसको सेकंड ले लोगे और 100% आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे और डेरिवेटिव निकाल दोगे। नेक्स्ट उसने कहा है, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन द सिंगल पॉलिनोमियल। सेकंड में उसने क्या कहा, मतलब पहले ओपन कर लो सारी ब्रैकेट को, एक फंक्शन आ जाएगा फिर उसका डेरिवेटिव। थर्ड में उसने कहा, बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब आप लॉग लोगे, क्योंकि ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है तो मैं लॉग डायरेक्टली ले सकती हूँ बेटा, अगर बीच में प्लस माइनस कुछ होता तो मैं लॉग डायरेक्टली नहीं ले सकती थी। मैं बार बार ये बात समझा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर लॉग, जब ये इकट्ठा होता लॉग एम इंटू एन, तो मैं अब सीधा लिख रही हूँ लॉग एम प्लस लॉग एन। ओके जी, तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे, जब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास वन बाय वाई वाई डैश, ये देखिए, इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट इंटू इसका भी डेरिवेटिव टू एक्स माइनस फाइव प्लस इसका देखूंगी तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस नाइन इंटू इसका डेरिवेटिव टू एक्स प्लस सेवन। आगे बस ये जो वन बाय वाई लिखा था ये वाई उधर चला जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू पुट करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, अल्टीमेटली द आंसर विल रिमेन द सेम 100%। ओके क्लियर बेटा, तो ऐसे ही बेटा मेरे पास 18th क्वेश्चन है। उन्होंने ना थ्री अगर फंक्शन है ना तो उसका फॉर्मूला बताया हुआ है कि आप लॉगरिथमिक फंक्शन लेके या दूसरी तरह प्रूफ, मतलब मेरे पास जो है आप कर सकते हो कि कैसे हमने तीन फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना। तो जस्ट मैं मैनुअली बता देती हूँ आपको कि अगर तीन फंक्शन है ना तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए बेटा आपने क्या करना है, ध्यान से देखना मेरे पास जो है, व्हाट वी हैव टू डू, अगर मेरे पास बाय चांस यू वी डब्ल्यू है, इसका डिफरेंशिएट करना, टर्न बाय टर्न एक एक का डेरिवेटिव करते रहे, दैट मींस फर्स्ट का डेरिवेटिव आपने लिया यू डैश आएगा, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज, ठीक है जी। सेकेंड का डेरिवेटिव आया बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज, फिर थर्ड का डेरिवेटिव लोगे और बाकी टर्म एज इट इज, ये फॉर्मूला है हमें
ड्राइव करना है। तो वो पहले कह रहा है कैसे करना है, आप इन दोनों को एक फंक्शन मान लो और इन दोनों को दूसरा मान लो। जब आप करोगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जब फर्स्ट लगाओगे ना उसमें दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगा, बस प्रूफ करना है ना ये, जस्ट कभी भी मतलब टाइप ऐसी होती नहीं है, बट हमें ड्राइव करना आनी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में भी ये टॉपिक बहुत बार एग्जाम में आ सकता है और नॉर्मली सब्जेक्टिव में तो आया ही हुआ है, दैट इज पैरामीट्रिक फॉर्म। सबसे पहले तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे थी, जैसे पिछली फॉर्म को मैं कहती थी ना बेटा कि वेरिएबल पावर वेरिएबल एक्स की पावर वाई, या मतलब ऐसा फंक्शन होता है साइन की पावर एक्स आ गई, एक्स की पावर साइन एक्स आ गया, एक्स की पावर साइन वाई आ गया, कॉस वाई आ गया, टेन वाई आ गया, कुछ भी आ गया। पैरामीट्रिक फॉर्म नेम से ही क्लियर है, पैरामीटर यानी जो एक्स और वाई जो दो वेरिएबल्स है ना, इट डिपेंड्स अपॉन वन पैरामीटर। ये पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट है किसी एक सिंगल पैरामीटर पे। जैसे अगर मेरे पास आ जाए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा, मीन इट ए इज अ कॉन्स्टेंट, ए बी सी थीटा जो ए बी सी होते हैं ना दे कॉन्स्टेंट की तरह होते, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसकी, लेकिन यहाँ थीटा वेरिएबल है, पैरामीटर है, यानी एक्स जो है इट डिपेंड्स अपॉन थीटा, वाई डिपेंड्स अपॉन थीटा, एक वेरिएबल पे, एक ही वेरिएबल टी पे डिपेंड हो जाए, किसी पे भी डिपेंड, बट एक ही सेम वेरिएबल पे डिपेंड होते हैं, तो बेटा हम क्या करते हैं डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। देखिए आई नीड डी वाई बाई डी एक्स, बट मैं वाई को डिफरेंशिएट नहीं कर सकती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई किस पे डिपेंड कर रहे हैं थीटा पे, तो 100% मैं वाई को अगर थीटा से डिफरेंशिएट करूं, मैंने डी थीटा एक्स्ट्रा लगाया ना, ऐसे ही एक्स को मैं डी थीटा से डिफरेंशिएट करूं। देखो अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बताऊं, डी थीटा कट गया ना, बचा तो डी वाई बाय डी एक्स ही, यही हमने कैलकुलेट, मतलब इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मुझे क्या करना है बेटा यहाँ पर, मुझे वाई को थीटा से डिफरेंशिएट करना है, एक्स को थीटा से डिफरेंशिएट करना है, और दोनों आंसर्स को डिवाइड कर दो। ओके जी, तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो हाउ टू परफॉर्म दिस कॉन्सेप्ट बेटा। तो फर्स्ट मेरे पास आप देखिए एक्सरसाइज 5.6 पे, इफ यू सी 5.6 पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, दैट इज गिवन टू मी 2at² एंड y इज इक्वल टू at⁴। अब बेटा व्हाट आई हैव टू डू हियर, मुझे डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, क्लियर कट लिखा है, बट वाई डिपेंड्स अपॉन द पैरामीटर टी एंड एक्स डिपेंड्स अपॉन द पैरामीटर टी। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगी, मैं डी वाई बाय डी टी, यहां जो बच्चे गलती करते हैं ऊपर वो एक्स का डेरिवेटिव लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग बेटा, अगर यहाँ डी वाई बाय डी एक्स है तो ऊपर वाई का डिफरेंशिएट आएगा नीचे एक्स का, वो गलती क्यों होती है क्योंकि नॉर्मली जब पेपर में क्वेश्चन लिखा होता है ना वो एक्स पहले लिखा होता है वाई बाद में लिखा होता है, तो ये गलती हो जाती है, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी होती। ओके, तो अब जब मैं बार बार कह रही हूँ टी वेरिएबल है, ए बी सी ये सारे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं, ठीक है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं। अब जब मैंने किया ए 4t³, टी वेरिएबल है टी से कर रहे हैं तो साथ में वन ही बचेगा ना, वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं। आगे डी एक्स बाय डी टी 4at, अब डी वाई बाय डी टी 4at³,
4a कैंसिल, टी स्क्वायर इज द आंसर। ओके जी, क्लियर। इसका जो आंसर होता है ना बेटा, वो नॉर्मली जिस वेरिएबल पे दोनों डिपेंड करते हैं उसी में आता है। ओके बेटा, तो लेट अस डू मोर क्वेश्चंस, है ना। आप खुद भी ट्राई कीजिए एंड शो मी ऑन योर स्क्रीन, यस मैम वी हैव डन दिस, प्लीज बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। आई नीड टू कैलकुलेट डी वाई बाय डी एक्स, वाई डिपेंड्स अपॉन थीटा, तो एक्स भी थीटा पे ही डिपेंड कर रहा है। तो क्लियर कट, अब मुझे डी वाई बाय डी थीटा चाहिए, तो बी कॉस थीटा का डिफरेंशिएट किया तो साइन थीटा ओवर इसका ए एज इट इज, तो माइनस साइन थीटा, इट विल कैंसल, बी बाय ए इज द आंसर। ओके बेटा, थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट इजी है, आप ट्राई करना। लेट अस डू नाउ द फिफ्थ पार्ट। ओके, क्योंकि उसमें कोई कैलकुलेशंस खास नहीं है, फिर भी आपको कोई डाउट लगेगा तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बेटी, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा एंड वाई इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। अब मेरे पास जो है क्या बचा बेटा यहां पर, डी वाई बाय डी एक्स मैंने कैलकुलेट करना है। अगर डी वाई बाय डी एक्स कैलकुलेट करना है तो बेटा वाई डिपेंड्स अपॉन थीटा, एक्स डिपेंड्स अपॉन थीटा। अब वाई का डी वाई बाय डी थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर देखिए साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, बट यहाँ थीटा नहीं है, टू थीटा है तो टू भी लगेगा, डिवाइडेड बाय अब इसका डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ये प्लस टू साइन टू थीटा होता है। आगे कैलकुलेशंस मिनिमाइज करना वो आप पे डिपेंड करता है टोटली। ओके जी, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू हाउ टू मिनिमाइज दी कैलकुलेशंस। चले बेटा आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक, क्लियर टू एवरीवन। हरनूर सिंह एनी प्रॉब्लम, हरनूर हाँ जी बेटा, हरनूर इज इट क्लियर टू यू, इफ नो यस और नो कम्स दैट मीन्स कि यू आर नॉट प्रेजेंट देयर। मैंने अनम्यूट करने की ऑप्शन दी हुई आपको। हाँ जी काक्षी, इज इट क्लियर टू यू काक्षी बेटा, काक्षी अनम्यूट योर सेल्फ। काक्षी यस मैम, क्लियर टू यू बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है, यस मैम। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स भी बेटा बिल्कुल सेम है। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर सेवेंथ बेटा, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, आप लोग स्टार्ट करो कैलकुलेशन। स्टार्ट करोगे तो तभी आपको बेटा पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं। अदरवाइज इजी है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपको कुछ ट्रिक्स, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस पता कैसे आ जाते हैं, प्रूफ कि इसका आंसर जो है वो ये होना चाहिए, तो उसमें अगर आप ट्रिक्स फॉलो नहीं करोगे बेटा तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये क्वेश्चंस जो है वो कैसे करने। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा इन क्वेश्चंस को करना, ठीक है। लेट अस स्टार्ट
सबसे पहले बेटा लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए कि आपको y क्या दिया है और आपको x क्या दिया है। जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिए, मेरे साथ साथ करोगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, मेरे पास x इज इक्वल टू साइन 3t ओवर रूट, मेरे पास हो गए कॉस 2t और y दिया हुआ है कॉस क्यूब टी रूट कॉस 2t। हाँ जी बेटा, कॉन्सेप्ट तो वही लगना है कि अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो हम इसको कैसे करें। बिल्कुल वैसे ही कि आप कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले डी वाई बाय, अगर डी एक्स कैलकुलेट करना है आपने तो बेटा क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले आप डी वाई बाय डी एक्स कैलकुलेट करना है तो वाई डिपेंड्स अपॉन टी एंड एक्स डिपेंड्स अपॉन टी, क्योंकि मेरे पास जो वेरिएबल है बेटा वो ही बेसिकली क्या है, टी पे डिपेंड कर। अब बेटा जब हम डिफरेंशिएट करेंगे क्लियर कट, आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है डिफरेंशिएट करने पे कि बहुत बड़ी बड़ी टर्म आपको लग रही है, तो इसी बड़ी टर्म्स को मिनिमाइज करने के लिए आपको ध्यान में ये चीज रखनी है कि हमने क्वेश्चन कैसे करना है। तो हम लोग सबसे पहले जो है इसका डिफरेंशिएट करने लगे हैं डी वाई बाय डी टी का, क्लियर कट है यू बाय वी लगना, बट बहुत ध्यान से करना कैलकुलेशंस और फॉर्मूलाज बहुत ध्यान से लगाना ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पर अप्लाई करने लगी हूँ डी सबसे पहले वाई बाय डी टी यू बाय वी। आपको पता है वी स्केयर, जब मैं स्केयर लगाऊंगी स्केयर और अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वी स्केयर वी एज इट इज मैं यहां पर लिख देती हूँ बेटा, दैट इज रूट कॉस 2t एज इट इज। अब डेरिवेटिव किसका, जब मैं इसका डेरिवेटिव लगाऊंगी बेटा पावर आगे जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी इनटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। ओके जी, क्लियर। बीच में माइनस, अब आगे स्पेस नहीं है तो मैं यहां पर लिख दूं। अब आगे क्या आएगा, साइन मेरे पास हो गए कॉस क्यूब टी एज इट इज। अब बेटा इसका डेरिवेटिव पावर कितनी होगी, 1/2 पावर कितनी होगी, 1/2 तो पावर आगे जाएगी, एक पावर कम होगी मेरे पास। जब एक पावर कम होगी बेटा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कॉस 2t की पावर माइनस 1/2 इंटू 2। सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा, ध्यान। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, अब मेरे पास स्टेटमेंट क्या बन गई, रूट कॉस 2t, ये 3 मैं आगे लिख रहा हूँ बेटा, कॉस स्क्वायर टी ये माइनस है मैं आगे लिख दूं, और मेरे पास यहाँ पर क्या बचा साइन टी माइनस। अब बेटा अगर ये पावर नेगेटिव है तो ये 1/√cos 2t हो गया, ऊपर क्या रहा मेरे पास, अकेला कॉस क्यूब टी डिनोमिनेटर में कॉस 2t। अब मैं ऊपर एलसीएम ले सकती हूँ क्योंकि एक टर्म ये है एक टर्म ये है, यहाँ नीचे 1 है। जब मैं एलसीएम लूंगी रूट कॉस 2t की, मैंने बार बार आपको कहा है यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन पे सम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये रब करने लगी हूँ बेटा। जब मैंने एलसीएम लिया अब नीचे पावर क्या बन जाएगी, रूट 2t, रूट 2t मतलब पावर 1/2 और ये पावर 1। तो बेसिकली अगर आपको एक स्टेप में नहीं होता तो आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए जब मैंने लिखा 3
रूट और रूट वाली, उसने इसको कॉस 2t बना देना, ठीक है जी। कॉस स्क्वायर टी और साइन टी माइनस, उधर मेरे पास क्या है, कॉस क्यूब टी। लीव दिस एज इट इज, और कुछ ना करना है। ये क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप अभी ऐसे ही रख दो, जब आप प्रॉपर डिवाइड करोगे ना तब आपको पता चलेगा कॉमन क्या निकल रहा है, किसको एडजस्ट करना है, क्या करना है, ठीक है। ये मेरा पहला पार्ट अभी सिर्फ खत्म हो गया। अब इसके बाद मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, यहाँ पर टी का बटन, अब मैं डी एक्स बाय डी टी कैलकुलेट करूंगी। जब मैंने डी एक्स बाय डी टी कैलकुलेट करना, ये सारा वो आंसर मैंने उस साइड पे लिख दिया, सेकंड करते हैं उसको भी आंसर को दूसरी साइड पे लिख दिया, ओके। अब बेटा मेरे पास हो गए डी एक्स बाय डी टी, मैं इवेल्युएट करूंगी सेम वैसे यू ओवर वी लगेगा, तो मेरे पास देखिए वी स्क्वायर यानी ये बच गया, फिर v as it is into derivative of this, जब इसका derivative करूंगी 3 आ गए sin square t into cos t, ओके जी। और बीच में क्या आएगा मेरे पास, माइनस आएगा, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर माइनस लगाया, ओके बेटा। अब मेरे पास u as it is into derivative of v, जब इसका डेरिवेटिव लगाऊंगी फिर वही पावर आगे एक पावर कम हो जाएगी, तो बेटा वो पावर बन जाएगी माइनस वन बाय टू इंटू टू भी आएगा क्योंकि टू टी है, ठीक है जी। तो ये टू और ये टू कैंसिल, अब फिर वही ये पावर माइनस वन बाय टू है तो बेटा इसको डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास ये क्या बना cos 2t into ये root cos 2t। जब मैं LCM लूंगी cos 2t 3 sin square t cos t, यहां पर ये माइनस ही ना बेटा मेरे पास, अब क्या बचा यहां पर साइन क्यूब टी, मार्क दिस एज सेकंड। अब ये डी एक्स बाय डी टी है, ये डी वाई बाय डी टी है, यहां से कल हम कंटिन्यू करेंगे बेटा बिकॉज द टाइम इज ओवर। डिवाइड करके मैं सीधा आंसर लिख के इसको कंटिन्यू करूंगी, ओके। टिल देन गुड बाय।